All is 9 to 5. हम हॉल म्यूजियम में आ चुके हैं इस वक्त और हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है घूमने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसी आधे घंटे में हम पूरा कवर करेंगे। यस ओके, हम हैं केजी में। यस गो टू रद्दा। ये देखिए सामने एक टंकी नजर आ रही है, PSLV-5। मुझे कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि ये एक गुप्त हमारा मिसाइल है या फिर रॉकेट है, इसको कभी ना कभी छोड़ दिया जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे दर्शकों को बहकाइए मत। अब बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं मिसाइल छोड़ दिया जाएगा, मिसाइल नहीं है वो एक तरह के सैंपल है जो कि हमारे HAL वालों ने बनाया है। हमारे कैप्टन साहब कहीं और जा रहे हैं, उनको कुछ मिल गया है, कुछ दिख गया है। तो फिर पता नहीं, वो शुरू से ही कह रहे थे इस बिल्डिंग में घुसना है और वो घुस भी गए। अब हम आपको दिखाएंगे बहुत ही बड़ा रडार, एयरक्राफ्ट को पकड़ने के लिए, मिसाइल्स को पकड़ने के लिए होगा वो, उसकी वहाँ पे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में। वो सुनियर्स वो हो जाते, सुनियर्स वो हो जाते हैं जैसे छोटी छोटी आकृतियाँ नहीं होती आपको गिफ्ट जैसे होते छोटे। अच्छा। जैसे कोई छोटा सा हवाई जहाज होगा, ये खरीद के जो आप घर ले जा सकते हैं यादगिरी के तौर पे। ओके थैंक यू आप फॉर इंफॉर्मेशन। ये देखिए अब हमारे पीछे देखिए, अब हम इसमें और वाह ये बढ़िया, इसके सामने फोटो खिंचाने का भाई मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। और यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही छोटे छोटे झूले लगाए हुए हैं। और ये देखिए एयरक्राफ्ट डव, इसके बारे में पढ़ते हैं कहाँ लिखा हुआ है, जानकारी लेते हैं। काफ़ी बेहतरीन मॉडल, पर बार आ गया है, इसको टच कर सकते कि नहीं। और यहाँ पे ऐसे ही कई बेहतरीन और भी पुराने मॉडल्स रखे हुए हैं, सिंगल मतलब पायलट के लग रहे हैं, एक या दो पायलट होंगे आई थिंक इनमें बैठने वाले, अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, एक तो मतलब बैंगलोर का मौसम इतना बढ़िया और ऊपर से इतनी बढ़िया हवाई जहाज देख के ना मज़ा आ रहा है देखने, मतलब प्लीज़। ये कैसा जीप सा मुंह है, बुलडॉग का नहीं होता, बुलडॉग की तरह लग रहा है, हिंदुस्तान ट्रेनर HT2। इसका तो पंख ही नहीं आगे, मुझे लग रहा है ये जेट फ्यूल टाइप में उड़ता है ना, ये तो फाइटर लग रहा है। किरण वो रहा, एक सिंगल है, टू है, ये दो लोगों का है एक साथ बैठने के लिए है ना, और उसका वो मुझे लग रहा है इंजन है, भाई साहब मिसाइल है कि इंजन है, जो भी है जबरदस्त लग रहा है। मजा आ जाता है इसको देख के, तो मन कर रहा है जैसे काश हम भी पायलट होते। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, पंख और क्या आकृति है भाई, इसके साथ भी फोटो खिंचाने में मजा आएगा, एक फोटो हो जाए। और अब हम जा रहे हैं हर्बल गार्डन, ये तो सही है मधु। ये सोलर पैनल है लेफ्ट, सोलर लाइट, अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एनर्जी मतलब फ्री एक कहा जाएगा कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है। यहाँ पे अंदर उगाए जाते हैं कुछ टेक्निक, शायद पानी होता है इनमें यूज़ नहीं करते, मुझे लग रहा है वो क्या कहते हैं खाद नहीं यूज़ करते, यहाँ ज़मीन नहीं होती इनको पानी से उगाया जाता है, कुछ ऐसा ही है, ये प्रोटेक्टेड होते हैं धूप में नहीं रखते, कुछ तो है अंदर। ऑर्किडेरियम कहते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया है। ये एक फाइटर जेट और सामने भी एक फाइटर जेट, ये क्या हो गया, ये एक फाइटर जेट है और ये सामने एक और फाइटर जेट और ये हमारे भाई साहब। ओए होए क्या जेट है, कैनबेरा।
एंट्रेंस अदर, मुझे लग रहा है इसके अंदर जा सकते हैं, लिखा हुआ है एंट्रेंस अदर साइड, पर अभी टाइम नहीं है इतना। वही तो कह रहा हूँ भाई, उड़ जाएगी ये, नहीं टिकेगी भाई के आगे ना टिकने वाले। अरे ओए, लक्ष्य पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट, इसमें पायलट नहीं होता, जस्ट लाइक ड्रोन, ड्रोन की तरह एक LCA ये पायलट वाला है, IJT और ये है MiG, जो कि आप सुनते ही रहते हैं सुर्खियों में, हमेशा बने रहता है MiG एयरक्राफ्ट, MiG-21, जिसको मतलब लेकर कई सुर्खियां बनती रहती हैं आए दिन, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। ये MiG-21 हमने रशिया से लिया था और ये अभी भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी पर चला रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो हमारे बहुत से अच्छे चले गए, जल्दी अंदर घुसते वाला बंद हो जाएगा। हॉल, फाउंडर ऑफ हॉल, फाउंडर ऑफ HAL, श्री सेठ वालचंद हीराचंद, 1882 का। ये उड़ती भी होगी। ओ भाई, टेस्टिंग। प्रिंस चार्ल्स जो कि UK थे भाई, कितना यंग था देखना, प्रिंस चार्ल्स, ये 1980 की फोटो, डेलीगेशंस, सैटेलाइट लॉन्च, अजीत एयरक्राफ्ट, प्रिंस ऑफ जॉर्डन, चेतक हेलीकॉप्टर, ये चेतक पहले हेलीकॉप्टर आपने मूवीज में देखा होगा, जो धर्मेंद्र की मूवीज आती थी जिसमें गाना था ओ जाने जा। यहाँ पर हमें ना, अब तक हमने जितने भी हम लोगों ने फ्लाइट जेट बनाए हैं हमारे DRDO R&D ने, वो सारे के सारे आपको लाइन से है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है DRDO के द्वारा। सही में ये दिखाइए, सब कुछ सारा दिखाइए, ये सारे फाइटर्स हॉल के द्वारा बनाए गए हैं, इनके प्रोडक्शन, DRDO भी कहीं ना कहीं शामिल है और DRDO की पेमेंट पे हम DADA वाले कहीं ना कहीं शामिल हैं। 1940-50 में जो बनाए गए थे उनके कुछ मॉडल्स और तस्वीरें यहाँ पे हैं। वाओ, तस्वीरें ही हैं ये, है ना, तब की देखना। जगजीवन राम टू और इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, मरूथ हंगर में। डर रहे थे बंद हो जाएगा। अरे सही है, इन्होंने एक काम तो सही किया, अंदर जाके जो पूछा ना कि एटलीस्ट क्या पता मान ही जाते भैया, वो तो करना पड़ता, जाते नहीं बनी बात तो क्या हुआ, पर ट्राई तो किया हमने अपनी तरफ से। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, कैसे बैंगलोर के बिल पास करते, वहाँ कोई नहीं। सही बात है, बैंगलोर वाला कोई पूछता नहीं, गलत है, धोखा दिया मेरे भाई को। तब डिफेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ किरण MK सेकंड एयरक्राफ्ट 1985, एयर चीफ मार्शल डी ला फोंटे काज इन जैगवार कॉकपिट 1985। ये 1980 से 1990 के बीच में जो एयरक्राफ्ट थे वो इस टाइप के दिखते थे।
भी होता है उनका जब मरीज होते हैं। MiG-27 ये बड़ा प्रसिद्ध होता है, ये वाला ड्रोन वाला कौन सा वाला ये वाला? हाँ डोर्नियर पैसेंजर, ये तो अभी भी चलते हैं 1991 से 2000। भाई बताओ तो देखिए आपके सामने 1991 से लेकर 2000 तक के जो भी हमारे DRDO द्वारा जो लॉन्च मतलब पूरे एयरक्राफ्ट डिजाइन किए जाते हैं वो FAL बनाती है। FAL ने जो बनाए हैं वो सामने आते हैं और ये हमारा लक्ष्य पायलट टारगेट एयरक्राफ्ट ये कुछ तस्वीरें उस वक्त की मिनिस्टर्स जो थे माधवराव सिंधिया, आर.एन. शर्मा हैंडिंग ओवर 3000 एयरक्राफ्ट टू एयर चीफ मार्शल और ऐसी ही और भी बहुत सारी तस्वीरें। हम 2000 से लेके एंड बियॉन्ड यानी कि उसके बाद के जहाज कैच कर रहा है, ये सही है इसमें है। अच्छा दे देते अब्दुल कलाम जी चेयरमैन श्री अशोक के बाजवा चेयरमैन हॉल विद डॉक्टर अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हॉल ऑफ फेम है, सारी जीएम एयर मार्शल्स। सेठ बालचंद हीराचंद डेट ऑफ बर्थ 1882 से लेके 1953 तक इंडस्ट्रियलिस्ट। ये भी लेटेस्ट है भाई, 30 2018 तक है, उसके बाद का कौन है? और ये इतने सारे ट्रॉफीज और अवार्ड्स जो कि हॉल को मिली है, बेहतर तीन कारगुजारी के लिए। एवोल्यूशंस ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड ऑफ एयरक्राफ्ट। Yes,